दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों 5 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और उस ऑर्डिनेंस का जो नाम था वो था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस के थ्रू भारत सरकार द्वारा मंडी में बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया है और एक देश एक मंडी की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। अभी पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारों में भी और कई जगह टीवी में देखा कि बहुत सारे किसान संगठन या किसान इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग अपने बेड़ियों में इस कदर जकड़ जाते हैं कि जब वो बेड़ियाँ उनसे छीन ली जाती हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। जैसे अगर किसी आदमी को बहुत दिन तक आप कारागार में रखें और फिर वो बाहर निकल के आता है तो उसको अपनी स्वतंत्रता रास नहीं आती है। या आप देखें कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो महाबत उसको एक छोटी सी जंजीर से खूंटे से बांधता है और वो बच्चा में उतनी ताकत नहीं होती है और वो कोशिश करता है उसको तोड़ने की और तोड़ नहीं पाता है। धीरे 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 वो बच्चा जब बड़ा होके हाथी बन जाता है तब भी उसके मन में ये बात रहती है कि वो जंजीर तोड़ नहीं पाएगा और हमेशा वो महावत उसको उससे बांधता है। तो इसी तरह ये जो किसानों के साथ हो रहा है उनको हमेशा बेचारा कमज़ोर गरीब इस तरह से खेती को घाटे का धंधा ये सब जो प्रचारित किया जाता है ये क्या वास्तव में ऐसा है कि कोई खेती करना नहीं चाहता है, कोई खेती मैं किसी तरह की आमदनी नहीं है? तो ये देखिए एक 20-25% किसान ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं, बहुत गरीब हैं और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। पर ये कह देना कि पूरी खेती ही खराब है मैं उचित नहीं मानता हूँ। भारत सरकार ने बिना किसानों के आंदोलन के एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और पूरे देश को एक मंडी की अवधारणा में बांधने के लिए एक अध्यादेश लाए हैं। इसका स्वागत होना चाहिए, किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए और उनको इस बात की खुशी होना चाहिए कि बिना किसी त्याग के और उनको ये मौका मिल रहा है कि वो लाइसेंस राज्य से मुक्त हो रहे हैं, व्यापारी लाइसेंस राज्य से मुक्त हो रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारी मंडी से लाइसेंस लेते रहे हैं और काम करते हैं, हर महीने उनको जानकारियां देना होती हैं, तरह तरह के नोटिस उन्हें मिलते हैं, तरह तरह के प्रकरण उनके ऊपर चलते हैं। तो वो आज सोचते हैं कि जब सरकार ये सब हटा देगी तो क्या होगा। तो ये जो फियर ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता का जो डर है, वो इतना ज़्यादा है कि लोग स्वतंत्र भी नहीं होना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि कब से, जब से भारत स्वतंत्र नहीं था उसके पहले जब से राज्य और प्रजा की अवधारणा का विकास हुआ तब से लगान का आविष्कार हुआ और राज्य या राजा हमेशा अपने खर्च चलाने के लिए किसानों की उपज का एक हिस्सा लेता रहा जिसको हम लगान कहते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, चाणक्य ने बहुत अच्छे से लगान को या टैक्स को परिभाषित किया है कि किस तरह से किसानों से या प्रजा से टैक्स लेना चाहिए। जब अकबर का साम्राज्य था तो उनके एक मंत्री थे राजा टोडरमल, उनने भू अभिलेख बनाना, भूमि की माप करना और भू अधिकारों को सुनिश्चित करना इसके लिए काफ़ी काम किया था
और जब अंग्रेज आए तो हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड एक्ट, भू अभिलेख अधिनियम बनाया गया और अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग भू अभिलेख अधिनियम संचालित थे। जैसे स्वतंत्र हुए तो राज्यों ने अपने अपने भू अभिलेख अधिनियम बनाए। और अवधारणा क्या है? अवधारणा ये है कि जो पूरी जमीन है वो राज्य की जमीन है और राज्य उसके सीमित उपयोग के लिए अपनी प्रजा को वो जमीन आवंटित करता है, वो अधिकार देता है, उसी को भू अधिकार कहते हैं या पट्टा कहते हैं। इसीलिए किसानों की जो जमीन है उनकी केवल जो सतह है जमीन की, उसके ऊपर जो उपजे हैं उसके ऊपर उनको अधिकार होता है। जमीन के नीचे जो किसी भी तरह का खनिज पदार्थ होता है या कोई भी चीज मिलती है तो उसके ऊपर उस भू मालिक का अधिकार नहीं होता है, उसके ऊपर राज्य का अधिकार होता है। तो ये जो लगान की व्यवस्था थी, धीरे धीरे जब पैसे का चलन हो गया तो फिर अनाज की जगह पैसे के तौर पर लगान लिया जाने लगा। पर यह बहस हमेशा से रही कि लगान कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो एक अंग्रेज किसान थे, उनका नाम था रिकार्डो। वो रोज अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ के अपने घर से अपने खेत तक जाते थे और जब वो खेत तक जाते थे तो वो देखते थे कि किसानों ने क्या फसल बोई है। तो उनने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जो बस्ती के पास की जमीनें हैं उनमें महंगी फसल बोई जाती है, फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो सस्ती फसलें बोई जाती हैं, फिर लकड़ी काटने के लिए जंगल छोड़ दिए जाते हैं और फिर घास चराने के लिए या काटने के लिए जगह होती है। तो इन जमीनों की उपज का जो अंतर है उस अंतर के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया और उसको रिकार्डो का लगान सिद्धांत कहा गया, जिसमें पहली बार भू उपयोग और उसके आधार पर लगान की अवधारणा विकसित हुई। आज भी जो चीज़ों की जब दुकानें खुलती हैं तो दुकानों में किस तरह से मूल्य तय होंगे वो बहुत हद तक रिकार्डो के लगान सिद्धांत के आधार पर रहता है, क्योंकि जो दुकानें भीड़ वाली जगह में रेलवे स्टेशन के सामने, एयरपोर्ट पे या मेन मार्केट में होती हैं उनमें थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है और जो दुकानें रिमोट एरिया में होती हैं, पीछे होती हैं, उनकी कीमत उसी वस्तु की कम होती है। तो ये उसी आधार पर तय होता है। फिर जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने भारत से बहुत सारी कृषि उपजें ब्रिटेन में भेजना शुरू की और उसमें मैनचेस्टर में जो कपड़ा उद्योग था उसके लिए कपास और नील की बहुत बड़ी मात्रा हिंदुस्तान से वहाँ जाने लगी। और कपास भेजने के लिए सबसे पहले मंडी अधिनियम बॉम्बे में लागू किया गया और जो बॉम्बे में मंडी अधिनियम लागू किया गया उसी के प्रावधान मोर ऑर लेस हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद अपना लिए। भारत सरकार ने समय समय पर मॉडल मंडी एक्ट राज्यों को दिए पर उसमें बहुत ज़्यादा अंतर राज्यों ने नहीं किया और मंडियों को वो अपने तरीके से संचालित करते हैं, क्योंकि राज्य की आय के लिए मंडी एक बहुत बड़ा साधन बन गई और वो प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है उसका उपयोग कई जगह किया जाने लगा। पर इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी टैक्स लगता है या उठाधरी का जो खर्चा होता है, सप्लाई चेन का जो खर्चा होता है एंड यूजर तक, वो कीमत में घटा के ही किसान को कीमत मिलती है। तो इससे क्या हुआ कि किसानों में हमेशा असंतोष रहा कि उन्हें फिक्स दुकानदारों को ही मोनोपोली में सामान बेचना पड़ता है, एक ही जगह बेचना पड़ता है, किसी तरह का कंपटीशन नहीं है, व्यापारियों में कार्टेल बन जाता है और वो आपस में तय करके ही भाव लगाते हैं। पर समय समय पर किसानों ने इसके लिए आंदोलन किए और उसके लिए मांग की जाती रही कि इसको हटाना चाहिए। जब तेल, साबुन, कपड़ा, दवाइयाँ, जूते, चप्पल सब बनाने वाली कंपनियों को उनकी मूल्य निर्धारण करने का अधिकार है तो किसानों को क्यों नहीं है? तो किसानों को ये अधिकार देने के लिए ही
भारत सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश का स्वागत होना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए कि किसान इसको अपने हित में कैसे लागू करें। देखिए, आज तक किसान बाजार के लिए काम करता है, बाजार में वही लाभ कमाता है जिसके लिए बाजार काम करता है। तो ऐसी व्यवस्था किसान को करना होगी। और ये जो कहा जा रहा है कि किसान ठगा जाएगा, उसको कीमत नहीं मिलेगी, तो किसान अकेला गल्ला ही थोड़ी बेचता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें बेचता खरीदता है, बहुत सारे निर्णय करता है, बच्चों की शादियों से लेके जमीन की बिक्री, मशीन उपकरणों की बिक्री खरीदी, तो क्या हर जगह वो ठगा ही जा रहा है जो सरकार से पूछ के करता है क्या? तो ये एक डर किसान के मन में पैदा करना और उसको हमेशा हीन बताया जाना, जैसे अगर हमारा बच्चा है और हम उसको हमेशा ये कहें कि तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो, तो वो एक दिन पिताजी को ये सिद्ध कर देता है कि हाँ पिताजी सही है। इसी तरह बार बार हम किसानों में ये हीन भावना डाल रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं होगी, कानून नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, तब तक किसान ठगा जाएगा। किस तरह की बात हम कर रहे हैं? आज हम 21वीं सदी में भी आगे आ गए हैं। आज तकनीकी बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए तरीके की चीजें आ गई हैं, DTH का जमाना है, डायरेक्ट टू होम। जो आप देख रहे हैं, जो जानकारी आपके पास है, वो ही मोबाइल के थ्रू आज दूरस्थ से दूरस्थ गांव के किसान के पास है। तो ये हीन भावना से निकलना चाहिए। भारत सरकार आपको एक मौका दे रही है, आप अपना व्यवहार बदलिए, अपने उत्पादों की ग्रेडिंग करिए, ग्रेडिंग के साथ बेचने की व्यवस्था करिए, ब्रांडिंग करिए, ब्रांडिंग के साथ आप बेचिए। जो मार्केट में सामान बिक रहा है, जिसका आप हमेशा उदाहरण देते रहे हैं अपने आंदोलनों में, वो इतना आसान नहीं है कि किसी भी चीज़ की ब्रांड बना देना। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो किसी आधार पर ही खरीदते हैं, वो ऐसे ही नहीं खरीदते हैं। तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि हम इस व्यवस्था का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हेलो हेलो जी।